जी जाएंगे आजकल नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं के लिए तैयार नहीं है। हम लोग एकदम बर्बाद हो गया, कहाँ जाएंगे, हटेंगे कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे मिट जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जान लीजिए। ये बहरी सरकार, अंधी सरकार, गूंगी सरकार कभी तक ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे भी ऐसे कितने के माँ बाप ने अपना गहना बेच दिया, जो सुहागन था वो अपना मंगलसूत्र अपने पति के लिए बेच दिया। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, जो ट्रेन आरआरबी एनटीपीसी के लोग ने रोका था वो अब भी वहीं हैं और ये लोग अपने हक के लिए अब भी यहीं खड़े हैं, देखते कब तक रहेंगे। हम लोग अभी यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे आज घर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं, के लिए तैयार नहीं है। कहाँ गई राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या गई? मेरा कहना ये है भाई, एक मिनट भाई मेरा सुनो, मेरा ये कहना है कि हमारे रेल मंत्री से कि हमारा 35,000 एनटीपीसी का वैकेंसी निकाले, आपने 6 गुना 5 गुना रिजल्ट देकर आप खत्म किए। मेरा ये कहना है कि आपने 20 गुना रिजल्ट देने का वादा किए थे, वो वादा कहाँ गया? 15-15 लाख देने की वादा, तो सारे ट्रेन रोक देंगे, कहाँ गया? सारे ट्रेन रोक दिए गए। हाँ, सारे ट्रेन हम रोक देंगे, रुक देंगे, वैसे पटरी पर मर जाएंगे, बाकी हम लोग जाने वाला नहीं है। 3 साल से है सर, 3 साल से है, कोई खेल नहीं। साल का मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, साल की मेहनत अब हम लोग एकदम बर्बाद हो गया, कहाँ जाएंगे? और ये खबर आपकी पहुँचाने की ताकत है, आप स्वतंत्र है, आप सरकार के पास पहुँचा सकते हैं ये खबर, समझे? कुछ भी हो जाए हटना नहीं है, नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे मिट जाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। मान गए, मान गए, मान गई हमारी सरकार ने सुना कि 18 घंटा रहा था, उस वक्त नोटिफिकेशन आप एक एग्जाम का जारी, राम राम से बोलिए सबका आवाज सुनाइए, एक नोटिफिकेशन आप जारी किए। हमारा ये कहना है रेल मिनिस्ट्री से कि आपने फिर पैसेंजर जो जिनको दिक्कत हो रहा है उनका दिक्कत होने देंगे, हमारा ये कहना है कोई पैसेंजर हमारी लाइफ दिक्कत हो रही है। हम लोग ट्विटर पर पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, 9 मिलियन प्लस ट्वीट हो गया, लेकिन ये बहरी सरकार, अंधी सरकार, गूंगी सरकार कभी तक ध्यान ही नहीं दिया। 20 में एक नंबर पर ट्रेंड किया है ट्विटर ट्रेंड, हम लोग मजबूर हो गए। इतने ज्यादा लोग यहाँ दिख रहे हैं, देखिए ट्रेन पे चढ़ चुके हैं, जी हाँ, ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है और कोई भी ट्रेन यहाँ से जा नहीं सकती है जब तक मांग हो सकती है। और रह गई बात, जब तक हम सबको मिलेगा नहीं जब तक आप जो बात बोल रहे थे पब्लिक प्रोग्राम, पब्लिक को जो दिक्कत हो रहा है वो मेरे माता पिता, वो मेरे भाई, वो सबका हम बेटा है, वो जान रहा है कि आज बेटा मेरा बेरोजगार है, अगर लोग जान रहे हैं कि बेटा जी आज बेटा अपने हक के लिए लड़ाई के लड़ रहा है, मुझे उसका दिक्कत भी होगा तो आसान कर सकता है बेटा। पुलिस बहुत ज्यादा आ चुकी है, वो पुलिस जान मार दो, मर रहे हैं ऐसे भी, ऐसे उधर चलिए, ये देखिए, मतलब कि ट्रेन पे चढ़ के एनटीपीसी का बोर्ड ये लोग और देखिए पीछे जा रहे हैं, और ये लोग का साफ तौर पे कहना है कि अगर इनको इनका हक आज नहीं मिला तो रात भर बैठेंगे, सब चीज कर देंगे, लेकिन आज यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम लोग जो भी हो जाए जान बौछार कर ले, कुछ न खाए न पिए हैं, जुनून जोश है, कुछ करेंगे, हम करके जाएंगे, करके जाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। एक कानून बनना चाहिए, जो भी सरकार घोषणा कर दे नोटिफिकेशन। लोग यहाँ मौजूद हैं और सारे के सारे एनटीपीसी के छात्र हैं, सारे आरआरबी एनटीपीसी के छात्र आपको दिखेंगे, और लोग क्या ये आवाज है कि जब तक इनको इनका हक नहीं मिलेगा ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जी हाँ, देखिए नारेबाजी चालू है, ये देखिए, और जोश है इनका, इनका जोश है जो कि पुलिस सरकार कोई भी ठंडा नहीं कर सकती है, और नारेबाजी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, न तो यहाँ से कोई ट्रेन गुजरा है
ना तो कुछ गुजरा है। ये स्टूडेंट की ताकत है जो आज सरकार को, प्रशासन को, सबको हरा देगी। एक सेकंड, इतना जोश कहां से आया? एक लड़का को एक रिजल्ट। हमारी मांग यही है कि एक लड़का को चार चार रिजल्ट दे दिया है, उसको एक रिजल्ट दिया जाए बस, ठीक है। कुल मिलाकर कि आपका हक नहीं छीन सकता कोई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन सरकार छीन रही है। स्टूडेंट की ताकत जब हम दिखाते हैं तो ये इस तरह से, ये देखिए, एक मिनट, लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार ये लोग आवाज उठा रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि आज यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक ट्रेन रुका हुआ है, ये देखिए, देखिए एक ट्रेन रुका हुआ है, अभी और ट्रेन रुकेगा, लेकिन यहाँ से हिलने नहीं वाले हैं ये लोग। स्टूडेंट की ताकत हम लोग है भूखा प्यासल और अभी तक रहेंगे हम लोग। आज हमारा स्टूडेंट 3 साल ही टाइम लिया, कितने के माँ बाप ने अपना गहना बेच दिया, जो सुहागन था वो अपना मंगलसूत्र अपने पति के लिए बेच दिया कि मेरा पति 3 साल के अंदर रेलवे में नौकरी करेगा तो फिर मैं मंगलसूत्र। तो क्या नौकरी मिला? नहीं मिला। इस सरकार ने रोजगार दिया जो भी बेचारे के पास, रेल मंत्री ने इंसाफ दिया, जो अनाज लग जो रोजगार नीचे सरकार देना चाहता था उसका क्या हुआ? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, एक ग्रुप डी के खिलाफ जो आवाज यहाँ पे चेंज किया गया है उसको क्या कहा जाएगा? एनटीपीसी का के लोग यहाँ बरगलाया गया, 12 वाला को डिफेंस दिया गया, नहीं निकाला गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी से, धोखा किया। और सबसे बड़ी बात जो आज तक और जी न्यूज वाले मीडिया यहाँ के नहीं दिखाना चाहते हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पे कि आप आके दिखा रहे हैं, और जो हकीकत न्यूज दिखा रहे हैं उसके लिए देश की मोदी सरकार जिम्मेदार है। लाइव सिटी को हार्दिक अभिनंदन सब दिन करता हूँ सारे स्टूडेंट, क्योंकि सच्चाई दिखाने का, स्टूडेंट की ताकत दिख जाएगी सबको, दिखेगी स्टूडेंट की ताकत दिखेगी। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग बुलाया कब, अभी नेशनल न्यूज को बुलाया कब, राज बदल देंगे। राज बदल देंगे। हाँ हम लोग यहीं, कितना ट्रेन रोकिएगा जब तक हमारे, एकदम यहीं रहेंगे, एकदम नहीं। भारत सरकार 1 महीने में चुनाव करवा लेती है, हम लोगों को 3 साल 4 साल तक क्यों रुकना पड़ता है? आगे चलिए। सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है, हम लोग तब से कह रहे हैं। सरकार यहाँ पे जो लोगों को धोखा देने का जो काम कर रही है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो लोगों को भड़का रही है यहाँ पे, सबसे पहली बात कि ग्रुप डी में बोला गया था कि फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब कि भगदड़ नहीं है, ये एकता है एनटीपीसी और आरआरबी के छात्रों का कि कुछ भी हो जाए आज यहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। आज कुछ भी हो जाए यहाँ से लोग नहीं हिलेंगे। ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, ये देखिए ट्रेन पे चढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो भी नहीं आ सकती यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट की ताकत आज सरकार को दिखने वाली है। इन लोग के साथ अन्याय, हम लोग को रिवाइज रिजल्ट चाहिए, जितना भी स्टूडेंट है उसका 20 टाइम चाहिए हम लोग का, जितना भी स्टूडेंट। देखिए बैनर लगा हुआ है, जी हाँ बैनर लगा हुआ है, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे लोग अपने गुस्से में हैं, इतने गुस्से में हैं कि अपना हक मांगने के लिए ट्रेन रोके हुए हैं, ट्रेन यहाँ से नहीं जा सकता है। जी हाँ एनटीपीसी के जो छात्र हैं वो ट्रेन पे चढ़ गए हैं। जी हाँ मांग जो है वो जायज़ है, इन लोगों का इनका हक नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे रात दिन शाम से यहाँ पे हैं। और इनका बस यही कहना है कि हमारी सीट दूसरे को क्यों दी गई और सरकार इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। हम कहना चाहते हैं सर, एक खसी को आप कितने लोगों का बहलाल कीजिएगा, एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अवेलेबल है, आप पत्थर को में क्यों दे रहे हैं? रात भर ये लोग यहाँ रहेंगे और इन लोग का मांग अगर जब तक पूरा नहीं होगा ट्रेन को यहाँ से आने जाने नहीं दिया जाएगा। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इनको हटा पाती है या नहीं पाती। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।